तो आज का सेशन है हमारा फिल्टर एंड सॉर्टिंग। तो फिल्टर एंड सॉर्टिंग में आपका ये यहाँ पे होता है सॉर्ट एंड फिल्टर होम टैब के अंदर ही, ठीक है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने क्लिक किया इस पर, पहली चीज़ तो सॉर्टिंग फिल्टर हम कैसे करते हैं, कई बार हमें कोई चीज़ सिलेक्ट करना पड़ता है और कई बार विदाउट सिलेक्शन भी हो जाता है। तो वो क्या होता है कि जब आप किसी भी डेटा पे आते हैं, आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो क्या मतलब होता है उसका, पहले सिलेक्ट ऑल होता था, आजकल मतलब है सिलेक्ट करंट रीजन। रीजन क्या होता है कि जैसे आपका एक डेटा बना हुआ है, अगर वो किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, मतलब कि किसी भी एक पॉइंट पे पूरी रो या पूरा कॉलम ब्लैंक नहीं है, तो ये रीजन आपका वो उस डेटा को उसका पार्ट मानता है। अगर मान लीजिए कि आपका एक लाइन पूरी ब्लैंक है तो ये रीजन टूट जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी अगर ब्लैंक लाइन हैं आपके पास, तब आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है फिल्टर सॉर्टिंग अप्लाई करने से पहले। अदरवाइज़ अगर आपका डेटा रीजन के अंदर है तो आप सिर्फ उस डेटा पे आपका क्लिक होना चाहिए, कहीं भी वो कंप्लीट उसको ही लेगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग फिल्टर पे जाते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे हम चले गए यहाँ पे, क्या आ रहा है, सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो क्या हुआ, मेरे डेट वाइज सारा डेटा सॉर्ट हो गया, ठीक है, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो वाला कॉलम मेरा सॉर्ट हो गया। तो सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट दिखा रहा था, जो कि डेट के लिए दिखाता है। टेक्स्ट के लिए आता है ए टू जेड, जेड टू ए, क्योंकि इसको मालूम है कि आप कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हो। और सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आता है नंबर के लिए, तो इसको मालूम है कि आपने कहाँ डेट डाली है, कहाँ नंबर डाले हैं और कहाँ टेक्स्ट डाला है, ठीक है। तो सिंगल लेवल सॉर्टिंग हम वैसे कर सकते हैं यहाँ से जाके, उसके बेस पे पूरा डेटा आपका सॉर्ट हो जाएगा। पर आपको डबल मल्टी लेवल सॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं कस्टम सॉर्ट में, या अपने आप ही सिलेक्शन ले लेगा। अगर आपकी हेडिंग्स यहाँ नहीं दिखाई दे रही है तो आपका ये वाला ऑप्शन ऑफ हो सकता है, इसमें ये कॉलम बताता है, ठीक है। तो हेडिंग्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या है इसमें, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मुझे करना है पहले नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद एड लेवल करूँगा, उसमें मैं कर देता हूँ सेल्स, जो कि सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, अब मैंने सॉर्ट कर दिया है, तो ये आप देखेंगे हरीश की ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जा रही है सेल, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और जैसे ही दूसरा बंदा आएगा इसमें, महेश, महेश की फिर से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आने लगी। तो ये लेवल वाइज सॉर्टिंग है, आपके कॉलम कितने भी हो सकते हैं पर लेवल जो एक्सेल में सपोर्ट करते हैं वो 64 करते हैं, 64 लेवल आप सॉर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ये एक्सेल की लिमिट है, ठीक है। किस किस बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं, आप वैल्यू के बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं, सेल कलर के बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट कलर के बेस पे और सेल आइकॉन के बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ डेटा एडिट करता हूँ, मान लीजिए कलर, पहले इनका सबका कलर हटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं डेटा ऑडिट कर रहा हूँ और इसमें मैंने क्या किया, कलर कर दिया कि इसमें कुछ दिक्कत है और यहाँ कुछ दिक्कत है, यहाँ कुछ दिक्कत है, इस तरह से कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, येलो वालों को टॉप में रखना चाहता हूँ, बाकी सब डाउन में। तो मैं कस्टम सॉर्ट में गया, यहाँ से मैंने चूज़ किया सेल्स, सेल कलर और अवेलेबल सेल कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो दो नो सेल कलर और ये आपका येलो है, तो येलो सिलेक्ट कर दिया। इसको मुझे टॉप में करना है कि बॉटम में करना है, मैं चूज़ कर सकता हूँ, ओके किया तो ये अप में आ गया। मान लीजिए कि एक और डेटा है मेरे पास और उसमें किसी दूसरे तरह की दिक्कत है, वहाँ मैंने ऑरेंज कलर कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऑरेंज वाले को टॉप में रखना है, येलो वाले को ठीक उसके नीचे रखना है और बाकी डेटा उसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ से मुझे अवेलेबल सेल कलर दिखाई दे जाएंगे, तो ये वाला मुझे टॉप में रखना है। कॉपी लेवल से सेम तरह का आपका नीचे भी लेवल आ जाता है। अब यहाँ से मुझे बस कलर चूज़ करना है,
अब बताइए इसको टॉप में रखूंगा कि बॉटम में रखूंगा, मुझे क्या करना है, ऑरेंज वाला ऊपर रखना है, उसके नीचे येलो और उसके नीचे सारा डेटा कहाँ रखेंगे? हाँ बिल्कुल 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 हाँ, तो ये प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करता है कि कौन सा ऊपर आना है कौन सा नीचे, ठीक है, तो टॉप में ही रखेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से आप फॉन्ट कलर भी दे सकते हो कि फॉन्ट कलर आपने कुछ वो निकाला है, इनको आपको टॉप में रखना है बॉटम में रखना है, तो फॉन्ट कलर के बेसिस पे भी हो सकता है। यहाँ से मैंने ले लिया नेम और यहाँ पे फॉन्ट कलर है, और फॉन्ट कलर जो जो यूज़ हो रहा होगा वो आ जाएगा, तो फॉन्ट कलर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेल आइकन, सेल आइकन आपके लगते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा सेल आइकन किस काम आते हैं। बेसिकली डेटा को कैटेगराइज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, सेल आइकन लगा दिया मैंने गुड एवरेज बैड वाला, ठीक है जी। अब इसको मुझे सॉर्ट करना है, पहले मैं इनको अलग से सॉर्ट कर देता हूँ कुछ और, ताकि ये मिक्स हो जाए, ठीक है। अब मुझे राइट वाले सबसे टॉप में रखने हैं, मैं क्या करूँगा, सेल्स में गया, सेल आइकन, और आइकन्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके, तो मैंने राइट वाले टॉप में कर दिया, कॉपी लेवल किया, उसके नीचे मैंने ये एवरेज वाला रख दिया, फिर क्रॉस वाला बाकी उसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेल आइकन के बेस पे भी सॉर्ट हो जाता है। डेटा बहुत बड़ा है इसलिए इस तरह से, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है, तो हम सेल आइकन के बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मंथ, और आपने सिलेक्ट करना होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आइकन सेट में जाएंगे और कोई भी चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये डेटा को कैटेगराइज करता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताऊंगा कि इसको अलग अलग तरह से सेट कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, क्लियर रूल में जाके इसको क्लियर कर देता हूँ सिलेक्टेड से, ठीक है। हाँ हाँ वो आपका सेल आइकन आएंगे ही नहीं, सेल्स में सेल आइकन, नो सेल आइकन दिखा रहा है ना, है ही नहीं तो कहाँ से दिखा। अब मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा अलग से सॉर्ट कर लेता हूँ, सेल्स के बेसिस पे कर लेता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ कि मंथ है, आपको जब मैंने कस्टम नंबर फॉर्मेट बताया था तो वो सारे फॉर्मूले, वो सारे जो कोड्स थे वो क्या करते थे, खाली विजिबिलिटी को चेंज करते थे, एक्चुअल वैल्यू नहीं चेंज करते थे। पर अगर कभी आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू में चाहिए तो आप टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे। अब जैसे डेट से मंथ निकालना है, और इन्वर्टेड कॉमा में वो फॉर्मेट दे देंगे, जैसे मंथ का फॉर्मेट 3 बार एम दबाया तो एब्रीवेटेड मंथ नेम आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास ये मंथ नेम जो निकला है वो एक्चुअल मंथ नेम है, ठीक है। अब मैं कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज़ कर लेता हूँ इसको, तो ये क्या है कि ये रियल वैल्यूज़ हैं ये टेक्स्ट की, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास डेट होती ही नहीं, अब मुझे सॉर्ट करना है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से आ जाए, अब कैसे करूँगा, है कोई तरीका सॉर्ट करने का? मालूम है आपको कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैं मंथ को चूज करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ए टू जेड, जेड टू ए दिखा रहा है, ए टू जेड करूँगा तो अप्रैल अगस्त इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अल्फ़ाबेटिक टाइप से हो जाएगा। इसका तरीका है कि आप यहाँ पे कस्टम लिस्ट होता है, अब कस्टम लिस्ट में तो ये जनवरी फरवरी होता ही है, ये तो जिस ऑर्डर में यहाँ पे पड़ा हुआ है उस ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा। यानी कि आप इसको
जो चीज़ सॉर्ट नहीं हो सकती वो भी इस तरह से सॉर्ट कर सकते हो, जैसे डेजिग्नेशंस हैं, कोई वीपी है, जीएम है, फिर मैनेजर है, फिर एग्जीक्यूटिव है, तो इस वाइज सॉर्ट करना है तो उसी ऑर्डर में एक लिस्ट कस्टम लिस्ट में डाल दीजिए, उसके बेस पे डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला है कि और भी तरह की कस्टमाइज सॉर्टिंग करनी है, जैसे नेम है, नेम मेरे को एक पर्टिकुलर लिस्ट में चाहिए कि अल्फ़ाबेटिक नहीं चाहिए, उस लिस्ट में चाहिए जैसे मैं करता हूँ, जैसे कि ये मैंने कस्टम लिस्ट में डाल ही रखा है, क्या नाम है, संदीप, ये इस लिस्ट में चाहिए। ठीक है, तो इस लिस्ट के हिसाब से सॉर्ट कर दे, तो मैं नेम को क्या करूँगा, यहाँ पे ले आया, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़, और ऑर्डर मैं कस्टम लिस्ट से चूज़ कर लूँगा, मैं कहा यहाँ से ले लो, ओके किया, ओके किया, हाँ हाँ अब क्रिएट कर सकते हैं, तो संदीप उसी ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगा, विकास जैसे उसमें पड़े हुए थे। ठीक है, हाँ। तो अब ये सॉर्टिंग में एक और चीज़ होती है कि जैसे अभी तक जो हम सॉर्ट कर रहे थे वो कर रहे थे टॉप टू बॉटम, यहाँ ऑप्शन होता है आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको हेडिंग्स अरेंज करनी है तो लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं हम। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास रो, तो रो वन की जो वैल्यूज़ हैं वो अरेंज हो जाए ए टू जेड, तो पहले सिटी आ गया, फिर डेट आ गया, फिर मंथ आ गया, नेम आ गया, सेल्स आ गया, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डेटा भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको, हाँ जी बताइए, हाँ आप वो पता है कब होता है, वो जब आपने इस तरह से सिलेक्ट किया है ना, और जब आप सॉर्ट करने जा रहे हैं, सिलेक्शन में क्या होगा, वो सिलेक्शन ही लेगा, अब आप सॉर्ट करने जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड सिलेक्शन की कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन अगर आपने कर दिया तो ये सॉर्ट हो जाएगा खाली यहीं यहीं पे, ये सारी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। ठीक है, एक्सपेंड में ये सिलेक्शन एक्सपेंड करके अकॉर्डिंगली कर देगा। अब एक चीज़ दिखाता हूँ इससे, एक ट्रिक है। अब मान लीजिए ऐसा कोई डेटा है आपके पास, आपको क्या करना है, इनके बीच पे एक एक लाइन इंसर्ट करनी है। ठीक है, एक एक लाइन करनी है, दो दो लाइन करनी है, कितनी भी करनी है, काफ़ी सारा डेटा है, कोई है तरीका कैसे करेंगे? अब ये देखो, इसके आगे ना सीरियल डाल लो, 1 2 3 4 करके, इस तरह से डाल लिया, इसको कॉपी करो और इसके नीचे पटक दो। ठीक है, अब ये डेटा में जाओ और इसकी सॉर्टिंग कर दो, एफ कॉलम है ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो 1 1 इकट्ठा हो जाएगा, एक एक लाइन आ गई, बाद में इसको डिलीट कर दो। ठीक है, मान लीजिए 2 लाइन डालनी है तो आपने क्या करना है, इसको एक बार और पेस्ट कर देना है, एफ कॉलम, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये 2 2 लाइन का गैप आ गया। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं काम करने की, फिर बाद में आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब आते हैं फिल्टर पे।
फिल्टर कैसे करते हैं, फिल्टर में क्या चीज़ एक्स्ट्रा है। नॉर्मल फिल्टर आपको पता होगा, ठीक है ना, कि आप यहाँ से सॉर्ट भी कर सकते हो, सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हो, ठीक है जी। इसमें जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि डेट जब आपके पास होती है तो आपके पास आता है डेट फिल्टर, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं जो कि डेट के ही होते हैं। नेम फिल्टर, ये टेक्स्ट फिल्टर, टेक्स्ट में आपके टेक्स्ट के रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, और नंबर फिल्टर में नंबर फिल्टर लिखा आता है और नंबर रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। तो ये कौन कौन से ऑप्शन होते हैं इनको डिटेल में चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गए डेट फिल्टर में, इक्वल टू कि आपने कोई डेट डाल दी, आप कैलेंडर, हाँ जी अच्छा हाँ, इसका जो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है, इससे ही हटेगा, इससे ही लगेगा। ऑल्ट डी एफ एफ, ये भी शॉर्ट, ऑल्ट डी एफ एफ भी शॉर्टकट है, ऑल्ट ए टी भी है, ऑल्ट ए टी, ठीक है जी, ऑल्ट एच एस एफ भी है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एल ये याद रखो। एक और चीज़ दिखाता हूँ फिल्टर में क्या होता है। फिल्टर पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक फ़िल्टर यहाँ से लगा दिया, महेश पे एक फ़िल्टर यहाँ से लगा दिया किसी सिटी पे, ऐसे ही आपके बहुत सारे फ़िल्टर लगे हैं। अब आप फ़िल्टर को हटाए बिना ये फ़िल्टर क्लियर एक बार में कैसे करोगे, मालूम है। एक बार में कैसे करेंगे, डेटा में ना आपके पास होता है क्लियर, तो ये क्या करेगा, क्लियर कर देगा एक ही बार में, विदाउट फिल्टर को हटाए ये क्लियर कर देगा, ठीक है, सारे फिल्टर, ठीक है। इसका शॉर्टकट मार सकते हो, ऑल्ट ए सी है, और शायद ऑल्ट डी एस भी है इसी का, ऑल्ट डी एस, नहीं 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 ऑल्ट डी एस तो उसका है कस्टम सॉर्ट का होगा कुछ और, ऑल्ट ए सी याद रख लो, ठीक है। क्लियर हो जाएंगे, जैसे ये दो फिल्टर लगे हुए हैं ना, ये एक साथ क्लियर हो जाएंगे विदाउट फिल्टर को हटाए, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे लगेगा भी हटेगा भी, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर लिस्ट चेक करनी है विदाउट माउस के, तो ऑल्ट डाउन एरो, ये ठीक है, ऑल्ट डाउन एरो, और इसमें लिस्ट में नेविगेट करना है तो सीधा आप टाइप करना शुरू करो, जे टाइप करोगे जे से रिलेटेड, डी टाइप करोगे डी से रिलेटेड, एस, ठीक है, ऐसे। सिलेक्ट ऑल पे जाना है तो सिलेक्ट ऑल की शुरुआत हो रही है ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट करोगे शिफ्ट मतलब 9, ठीक है ना। तो पहला करेक्टर दबाना होता है लिस्ट का, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे उस पर, और अदरवाइज उसमें कुछ आपने सर्च करना है कि जहाँ पे आई हो वो वाले आ जाए, तो आई आई वाले आ गए, ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब चलते हैं डेट के फिल्टर पे। डेट फिल्टर में इक्वल टू मैं बता रहा था, तो इक्वल में क्या होता है कि आप कोई कैलेंडर से डेट चूज कर सकते हो कि इस डेट के इक्वल कोई डेट है, या फिर ये लिस्ट से, ये लिस्ट में क्या होगा जो इतने भी फिल्टर में आपकी डेट्स हैं वो आ जाएंगी। तो जैसे ये चूज कर लिया तो इक्वल टू वो डेट आ गई, ठीक है। एक और चीज़ है, ये जो आपको लिस्ट दिखाता है ना, ये लिस्ट, इसकी भी एक लिमिट है कि आप 10,000 यूनिक वैल्यू इसमें दिखा सकते हो। डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है पर आइटम डिस्प्ले जो करेंगे वो सिर्फ 10,000 ही होंगे, ठीक है, यूनिक वाले।
तो हम डेट फिल्टर की बात कर रहे थे, इक्वल हमने देखा, इक्वल तो नॉर्मल ही था। बिफोर, बिफोर क्या है कि हम एक डेट डाल देंगे कि भैया इससे, जैसे आज की डेट है 31 जुलाई, तो आज की डेट से पहले का डेटा, बिफोर, ठीक है, आज की डेट से पहले का डेटा। और आफ्टर तो कोई डेट के बाद का डेटा, आज की डेट के ही बाद का डेटा ले लेते, ठीक है। और क्या है इसमें, बिटवीन, जैसे आपको फाइनेंशियल ईयर करना है तो आपने कहा कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 का डेटा, तो वो फिर आपका हो गया, ठीक है। टुमारो, कल की डेट का डेटा, कल की कोई डेट होगी तो आ जाएगी, नहीं है। टुडे, आज की कोई डेट होगी, आ गई आज की डेट का डेटा। यस्टरडे, बीते हुए कल की कोई डेट होगी, नहीं है तो नहीं आएगा। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में कोई डेट आ रही होंगी, उनका डेटा। दिस वीक, इस हफ्ते में कुछ आ रही होंगी तो इस हफ्ते का डेटा। पर ये हफ्ता शुरू कहाँ, मैं बताता हूँ भाई, आप अगर कैलेंडर देखोगे ना तो आपका हफ्ता कहाँ से शुरू हो रहा है, संडे से, ठीक है। तो मतलब आज का हफ्ता जो चलेगा वो 31 जुलाई से 6 अगस्त तक का है। 10 इसलिए उठाया क्योंकि वो उसके नेक्स्ट वीक में पड़ रहा है, यहाँ पे है ना, 31 से 6 अगस्त तक का तो यही वीक हो गया, 7 से ये वो हो गया, ठीक है। हाँ, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते का कुछ हो तो, नहीं है। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का, महीने का सही उठाएगा। दिस मंथ, इस महीने का। लास्ट मंथ, बीते हुए महीने का। नेक्स्ट क्वार्टर, इसीलिए अगले क्वार्टर में, अभी जुलाई चल रहा है तो अगला क्वार्टर हो गया आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर का आपका एक क्वार्टर हो गया ना, तो नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर में आपका आ जाएगा यही जुलाई अगस्त सितंबर का, ठीक है। लास्ट क्वार्टर पिछला वाला आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर अगले साल का, दिस ईयर इस साल का, लास्ट ईयर पिछले साल का। ईयर टू डेट मतलब इस ईयर की स्टार्टिंग से आज तक की डेट का डेटा, ठीक है जी। उसके बाद ऑल डेट इन पीरियड, अब बोले हम इसमें क्वार्टर वन, क्वार्टर वन कौन सा हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, पर वो किसी भी ईयर का जनवरी फरवरी मार्च का हो, मतलब क्वार्टर वन का मतलब है किसी भी ईयर का क्वार्टर वन, ठीक है। तो क्वार्टर थ्री फोर, और इसी तरह जनवरी भी है, किसी भी ईयर की जनवरी, तो मंथ है आप ऐसे चूज कर सकते हैं। बाकी अगर कस्टमाइज चाहिए तो बिटवीन का यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेट फिल्टर है। अब बताता हूँ नंबर फिल्टर। इक्वल डज नॉट इक्वल, इक्वल का तो हो गया कि आपका वही नंबर आएगा, डज नॉट इक्वल वो नंबर छोड़ के आएगा। ग्रेटर देन, इस नंबर से बड़े, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नंबर से बड़े और बराबर के, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, दो नंबर के बीच का, ये तो क्लियर है ना, लेस देन ग्रेटर देन ये सब। हाँ, टॉप बता रहा हूँ, टॉप टेन बताता हूँ पहले। टॉप टेन, तो टॉप टेन का मतलब टेन ही नहीं है, आप 20-30 जितने भी टॉप वाले चाहिए, हाईएस्ट वाले चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। टॉप या बॉटम, बॉटम मतलब लोएस्ट वाले। तो टॉप टेन आइटम्स में आपका 10 ये फिल्टर करके दे देगा, ठीक है। हाँ, पर फिल्टर में ना इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब इस पर ज़्यादा डेटा होता है ना तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दिखाता, तो ऑलमोस्ट इसका रिजल्ट जो है सही नहीं आता, पर मतलब यही होता है कि 10 आइटम्स दिखाने चाहिए, ठीक है। ये इसके अंदर बड़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम। प
परसेंट भी है, पर टॉप 10% का मतलब हो गया कि जैसे आपके टोटल 700 रिकॉर्ड है और 10% ऑफ रिकॉर्ड दिखाएगा, मतलब 70 रिकॉर्ड उसके एवरेज में दिखाएगा। तो अभी ये डेटा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ काम करता है इसमें, तो 74 दिखा रहा है ऑफ 673, जबकि दिखाना चाहिए इसे 67 रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। अगर मैं कम डेटा के साथ अगर यूज़ करूँगा तो एग्जैक्ट दिखाएगा, सही चलेगा। ये जब ज़्यादा डेटा होता है ना तभी ऐसे चलता है। ठीक है, वो नहीं, नहीं बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी है, फार्मूला के ज़रिए भी है, वो सारे बता दूँगा। ठीक है जी, वो जैसे जैसे वो टॉपिक आते जाएंगे उसमें आपका वो चीज़ें कवर होती जाएंगी। ठीक है, तो अबव एवरेज क्या करेगा, पूरे की एवरेज निकाल लेगा और एवरेज से बड़े जितने भी हैं उनको सिलेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, जो एवरेज आ रही होगी उनसे बड़े जितने होंगे वो, बिलो एवरेज पूरे का टोटल का एवरेज करेगा और एवरेज से जो एवरेज आ रही होगी उससे बिलो में जितने होंगे उनको फिल्टर कर देगा। ठीक है जी, अबव एवरेज बिलो एवरेज। उसके अलावा अब चलते हैं टेक्स्ट फिल्टर पे। अब टेक्स्ट में देखते हैं क्या क्या है। टेक्स्ट में इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू नॉर्मल है, ठीक है, ये आपको मालूम है। बिगिंस विद देखते हैं, मैं कहता हूँ कि एस से स्टार्ट होने वाले जितने नाम है वो आ जाएं। तो फिल्टर हो गया संदीप और मेरे ख्याल से एक ही नाम होगा इसमें, सुजीत भी है। ठीक है, संदीप सुजीत दो नाम आ रहे हैं। उसके बाद आपका एंड विद, एंड मैंने कहा कि एच से एंड होने वाले नाम आ जाए, तो लास्ट में एच है इनके, तो ये हरीश महेश दो नाम आ रहे हैं। ठीक है जी, कंटेंस मैंने कहा जहाँ डबल ई हो उनको फिल्टर कर ले, तो संदीप में डबल ई है और आगे हमारा सुजीत में डबल ई है, आगे हाँ इन दोनों में ही डबल ई। ठीक है, डज नॉट कंटेन इसी का रिवर्स है। अब आपको इक्वल में एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी हमारा कस्टम ऑटो फिल्टर खुलता है, इसके अंदर इक्वल डज नॉट इक्वल ग्रेटर देन लेस देन सब कुछ होता है। सबसे पहले देखते हैं ये एंड और क्या काम करता है। तो अगर मैं चूज़ करूँ यहाँ से, मेरे को लेना है हरीश का डेटा और इक्वल टू महेश का डेटा, ठीक है, तो बताइए इससे आएगा। एंड चूज़ करना पड़ेगा मुझे और चूज़ करना पड़ेगा इन दोनों का डेटा देखने के लिए। हाँ और करना पड़ेगा क्योंकि, हाँ क्योंकि ये दोनों क्या है कि ये दोनों रूल एक ही सेल में चेक करेगा। ठीक है, और ये दोनों एक सेल में तो हो नहीं सकते, इसलिए और में, तो हरीश और महेश दोनों आ गए। ठीक है जी, एक और चीज़ कि इसमें बिगिंस विद एंड्स विद जो भी हमने किया यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल्स पे जाते हैं। इक्वल्स में आर आई यूज़ क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर, यूज़ स्टार टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर। अब ये क्या होते हैं, जैसे मेरा नाम है तो कोई यहाँ एक ही जगह यू भी डाल सकता है, संदीप इस तरह से लिख सकता है ना, और क्या कर सकता है डबल ई की जगह आई लिख सकता है ना, इस तरह से कर सकता है। तो मुझे अब ये संदीप को मैं फिल्टर करना चाहूँ तो इसको फिल्टर करना है, अब कैसे करूँगा, तो मुझे चाहिए ये नाम। ठीक है, अब मुझे पता है एक ही जगह यू भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंगल कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क डालूंगा। मान लो मेरी कन्फ्यूजन ए में है कि एक ही जगह यू भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है, तो वहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। उसमें क्या करेगा, उसकी जगह वो एनी कैरेक्टर ले लेगा, यानी कुछ भी हो वहाँ वो फिल्टर कर देगा। ठीक है, तो यू वाला हो गया पर आई वाला नहीं हुआ। अब आई वाले केस में क्या है, यहाँ पे डबल ई रिप्लेस हो रहा है एक सिंगल आई के साथ। ठीक है, तो कन्फ्यूजन जो है मल्टीपल कैरेक्टर की है,
तो यहाँ पे अगर मैं दो बार क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा तो उसका मतलब होगा कि वहाँ दो कैरेक्टर रिक्वायर्ड है, वहाँ होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, वो सिंगल भी डाल रहा है, तो यहाँ पे डाल दूंगा मैं स्टार। तो मतलब डी के बाद 50 कैरेक्टर हों या कितने भी हों, लास्ट में पी होगा। डी के बाद बीच में कुछ भी हो, कितने भी कैरेक्टर हों, और लास्ट में पी होना चाहिए। तो ये कंडीशन चेक करेगा और ओके कर देगा। अब देखोगे आप तो आई वाला भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए 5 कैरेक्टर के नाम जिनके कैरेक्टर लेंथ 5 हो। तो 5 बार मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, तो यानी इनकी जगह कोई भी कैरेक्टर होगा वो आ जाएगा। तो कौन कौन से नाम आए, विकास का आया, विकास का ही आया, 5 कैरेक्टर का इसी का ही है, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चन मार्क स्टार से हमारा बिगिंस विद एंड विद भी बना है। जैसे बिगिंस विद में क्या था, एस से स्टार्ट होगा और आगे कुछ भी हो, यानी आगे स्टार। तो ये मैंने करा, एस से स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली बिगिंस विद सिलेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। जो एंड विद था आगे स्टार था और एच डाल दिया, मतलब आगे कुछ भी हो लास्ट में एच होगा। तो ये आ गया, इसमें दिखा रहा होगा ऑटोमेटिकली एंड विद। अब कंटेंस का कैसे दिखा रहा है, आगे स्टार है, बीच में डबल ई, पीछे स्टार, मतलब आगे कितने भी कैरेक्टर हो, पीछे कितने भी कैरेक्टर हो, बीच में डबल ई होगा। तो ये आया। मैंने बताया था एंड विद एच, तो स्टार मतलब एन मल्टीपल कैरेक्टर कितने भी हों, लास्ट में एच आएगा। तो ये हो गया आपका एंड विद, ठीक है, एंडिंग विद आ रहा है, और ये एंड विद दिखा रहा है ना। और इसी जगह मैं अगर करता हूँ कि आगे मेरा कुछ भी है, बीच में ये डबल ई आएगा, और पीछे भी कुछ भी है, तो ये कंटेंस में चला जाएगा, ठीक, समझ गए, कंटेनिंग में। अब यही सारे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ये कंटेनर में चला गया ना अपने आप। अब यही सारे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आपके वैसे भी यूज़ हो सकते हैं, सम इफ, काउंट इफ, वी लुकअप, इन सब में भी यूज़ हो सकते हैं, ये फाइंड रिप्लेस में भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो है आपका फिल्टर, ठीक है जी। अब आपको बताता हूँ एडवांस फिल्टर कहाँ काम आता है, ठीक है। यहाँ डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे एडवांस है, ये एडवांस फिल्टर है, इसका यूज़ कहाँ होता है। इसके लिए पहले तो आपको हेडिंग चाहिए होती है सारी, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे उस हेडिंग में जो चाहिए जनवरी का डेटा चाहिए, ठीक है, फिल्टर्ड। तो आपने जाना है एडवांस फिल्टर में, फिल्टर द प्ले लिस्ट इन प्लेस, मतलब यहाँ पे अब ये फिल्टर करेगा, कैसे करेगा, लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में अभी सही उठा रहा है, ना उठाए तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। क्राइटेरिया कहाँ है, तो क्राइटेरिया आपका विद हेडिंग होना चाहिए, आपको ऐसे पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो ब्लैंक है उसका मतलब है कि वहाँ से सारे उठाएगा। मैंने कहा जनवरी का, तो ये जनवरी का डेटा इसने फिल्टर कर दिया। और देखिए यहाँ पे कोई फिल्टर का निशान नहीं है, तो अगर इसको क्लियर करना हो तो सिर्फ यहीं से ही होगा ये, ठीक है। अब उसके बाद मैं कहता हूँ, हाँ हाँ, ये आपको करना है ऑल्ट ए क्यू, ये ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि जनवरी में जो सेल हो ग्रेटर देन 50, ठीक है, इस तरह से देंगे। तो हम मैं जाऊंगा एडवांस में, अभी मेरे ख्याल से ये रेंज सही दिखा रहा है, क्राइटेरिया रेंज भी सही है इसकी, ओके कर दूंगा। तो जनवरी का डेटा जो ग्रेटर देन 50 है वो मेरा सिलेक्ट हुआ, ठीक है। क्या चीज़, क्राइटेरिया रेंज,
क्राइटेरिया रेंज आपका ये होता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि उसमें जो है दिल्ली का होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए और जनवरी का डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर लिस्ट रेंज और क्राइटेरिया रेंज सही पड़ी हुई है तो आप इसको कर सकते हैं। तो दिल्ली का ग्रेटर देन 50, जनवरी का डेटा, ठीक है, बस आपने यहाँ हाथ से लिखना है। फिर आपने कहा कि दिल्ली ग्रेटर देन 50 का होना चाहिए और संदीप का सारा डेटा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे डबल क्राइटेरिया भी लग जाता है। तो मैंने क्राइटेरिया रेंज को इंक्रीज कर दिया, लिस्ट रेंज तो वही है ऐसे, तो मतलब यहाँ डेट कुछ भी हो, नेम में संदीप होना चाहिए, सिटी कुछ भी हो, सेल्स कुछ भी हो, मंथ, और दिल्ली ग्रेटर देन 50 और जनवरी, ठीक है। तो वो तीन डेटा के साथ ये भी फिल्टर कर देगा, संदीप का सारा डेटा और जहाँ दिल्ली का ग्रेटर देन 50 वो सब आ रहा था वो वाला डेटा, ठीक है। ये विकास हरीश का ये दिखा रहा है ना, ठीक है जी, क्लियर है। ये यूज़ कैसे करना है, या मैं कहूँ संदीप का फैब का डेटा और दिल्ली का ग्रेटर देन 50 जनवरी का डेटा, तो इस तरह से क्राइटेरिया रेंज मैंने पूरी दे ही रखी है। तो ये संदीप का फैब का डेटा और ग्रेटर देन 50 जनवरी का डेटा, ठीक है। हाँ हाँ डेट भी कर सकते हैं, जैसे आज का हम कर देते हैं 31 जुलाई, ठीक है। तो 31 जुलाई का हम क्राइटेरिया रेंज बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, कि 31 जुलाई का भी डेटा आए। हाँ एडवांस और क्राइटेरिया रेंज को मैं ऐसे कर दूँगा, मतलब 4-5 का आप बस लिखते जाना है क्राइटेरिया की तरह और ये आपका वैसे फ़िल्टर कर देगा, ठीक है जी। तो लास्ट मैंने क्या करा था, एक डेट डाली थी 31 जुलाई वाली, ये आ गया, ठीक है जी। वो सब ले रहा है, सब ले रहा है, संदीप का फरवरी का, दिल्ली ग्रेटर देन 50 एंड जैन और 31 जुलाई, ठीक है जी। हाँ जनवरी फरवरी का इस क्राइटेरिया के साथ कि संदीप होना चाहिए, जनवरी का ग्रेटर देन 50 और दिल्ली होना चाहिए, ठीक है जी। तो मतलब बहुत ही ये अब देखो आसान में कर देता हूँ, इसको हटाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे संदीप का चाहिए, हरीश का चाहिए, दोनों का डेटा चाहिए और दिल्ली का पूरा डेटा चाहिए, ठीक है, ये कर देता हूँ। तो एडवांस फिल्टर में गया, पहले लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में मेरा ले ही रहा है सही एड्रेस। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया मैंने कहा कि यहाँ तक है, हेडिंग से पूरा पूरा लेना है, ठीक है। तो ओके किया, ये ले गया, दिल्ली 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 का लिया है पूरा पूरा डेटा, ठीक है, दिल्ली का और संदीप का। तो अगर कोई अलग नाम होगा तो वो दिल्ली के अंडर होगा, सुजीत का, ठीक है जी, महेश, ये मेरा है, वो संदीप का है, दो क्राइटेरिया हो गए ना। ये देखो संदीप का, हरीश का कंप्लीट डेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं, और दिल्ली का कंप्लीट डेटा, ठीक है, इस तरह से करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। अब क्या करते हो कि कई बार आपको इस क्राइटेरिया से ना डेटा चाहिए होता है, ठीक है। अभी मैं संदीप का ग्रेटर देन 50 कर देता हूँ, आपको ये डेटा कॉपी करके कहीं ले जाना है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये एडवांस फिल्टर लगाता हूँ, क्राइटेरिया रेंज सही लगी हुई है L4 तक, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, पर कॉपी टू अनदर लोकेशन हम सेम शीट पे कर सकते हैं, अलग जगह नहीं। तो मुझे कॉपी कहाँ करना है, मैंने कहा मुझे यहाँ कॉपी करना है, ठीक है, आप कर दीजिए, ओके करेंगे तो
तो वो डेटा फिल्टर होने की बजाय यहां पे आ जाएगा, ठीक है। वो डेटा आपका फिल्टर होने की बजाय वो डेटा आपका इधर जनरेट हो जाएगा, फिर इसको कट करके कहीं भी ले जाओ आप, ठीक है जी। ठीक है, इसके बाद आप अब इसको हटा देते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं इसके साथ, यूनिक निकालने हैं। मान लो इसका यूनिक डेटा, सिटी का यूनिक डेटा चाहिए, ठीक है। मैंने सिटी को सिलेक्ट किया और ये लिस्ट रेंज मैंने दे दी है सिटी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा कॉपी टू अनदर लोकेशन, दूसरी जगह पे ले जानी है। क्राइटेरिया मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे क्या चाहिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन यहाँ पे चाहिए आई में, और यूनिक चाहिए। तो मतलब इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट होके डेटा मेरे पास यूनिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यूनिक रिकॉर्ड ओनली का ऑप्शन है, हाँ ठीक है। ये उसमें पता है क्या करेगा, वो रिकॉर्ड यूनिक बताएगा कि जैसे ने इस डे जैसे नेम के साथ सिटी भी ले लेता तो एक नाम लेता और उसके साथ सिटी लेता, एक दूसरा नाम भी वही लेता उसके साथ दूसरी सिटी लेता, इस तरह से यूनिक बनाता। जैसे कि हर एक बंदे के साथ कौन कौन सी सिटी एसोसिएटेड है वो यूनिक बना देता, ठीक है। हाँ तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अभी तो एडवांस फिल्टर से बताया, कॉपी करके इसको पेस्ट कर दो, और ये रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ये भी सेम काम करेगा। माई डेटा एज हेडर, हेडिंग है हमारे पास, सिटी कॉलम है, ओके किया, ये डिलीट कर देगा बाकी 8 यूनिक वैल्यू, सेम काम करेगा, ठीक है। हाँ हाँ, उसके लिए आपको डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और फिर रिमूव डुप्लीकेट कर देना है, वो रिमूव कर देगा डुप्लीकेट जितने भी होंगे, यूनिक छोड़ेगा, ठीक है जी। तो ये था आपका सेशन फिल्टर सॉर्टिंग एंड एडवांस फिल्टर का, ठीक है जी। ठीक है जी, तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक, आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगा, फाइल में तो ऐसा कुछ है नहीं, एक्सेल शीट भी चाहिए, ठीक है जी, भेज दूँगा।